हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं EIH लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 12 रुपये 70 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 7.5% से भी ऊपर की तेजी लगाता हुआ नजर आ रहेगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे चलें तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक निचले लेवल पर अब खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक का एक बड़ा बॉटम बनता हुआ नजर आया 200 रुपये। 200 रुपये के बाद में इस स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक में नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल 154 रुपये, और यहीं से इस स्टॉक में राउंड रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में कल भी एक तेजी देखने को मिली और आज काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में यहां से और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है आपको। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि अराउंड 171 रुपये। 171 रुपये के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट 189 रुपये और सेकेंड टारगेट 181 रुपये तक के देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक में अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप बड़े स्टॉप लॉस के साथ अराउंड 165 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 200 रुपये और 210 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कि इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा, जहां पर अगर हम देखें तो अराउंड 6 महीने में इस स्टॉक में 18% की तेजी देखने को मिली है और 1 साल में इस स्टॉक में 26% की तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो वहां पे आपको एक बड़ा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा और शॉर्ट टर्म में आपको छोटे टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। और अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो इस स्टॉक में एक सीमित दायरे में इस स्टॉक में ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है, जहां पर इस स्टॉक का हाई 201 रुपये हैगा और नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 155 रुपये। 155 रुपये के ऊपर ही इस स्टॉक में ट्रेड होता है तो ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। ये स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट करता है 202 रुपये को, तो यहाँ पर इस स्टॉक में और बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।